It's alright if you don't have that because today we're gonna understand phrasal verb, what actually is all about, and some really common phrasal verb that we can use in our daily lives. Is it alright? So let's get started with the class without wasting any further time. Alright, students, so here you go with the definition. So, you must be thinking that what are actually phrasal verbs? So, let me tell you. Phrasal verbs are a type of multi word verb in English that consists of a verb and one or more prepositions. These prepositions can change the meaning of the verb, creating new idiomatic expressions. फ्रेजल वर्ब्स क्या है फ्रेजल वर्ब्स ऐसे एक टाइप की वर्ब है जिसमें हम मल्टी वर्ड्स का यूज करते हैं इस तरीके की वर्ब होती है जिसमें, जिसमें से एक हमारी वर्ब होती है और बाकी के जो वर्ड होते हैं वो हमारे प्रेपजिशन भी हो सकते हैं ठीक है दीज प्रशन कैन चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ब ये प्रेपोजिशन जो हम इसमें यूज करते हैं वो हमारे वर्ब के मीनिंग को पूरा का पूरा चेंज कर सकते हैं क्रिएटिंग न्यू आइडियोमैटिक एक्सप्रेशन और जब वो चेंज करेंगे तो एक आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन बन जाएंगे ठीक है सो दिसल वो आई नो आई नो यू स्टिल हैव डाउट्स इन योर माइंड इट्स ऑल राइट बिकॉज आई एम प्रोवाइड एग्जाम्पल एज वेल सो है यू गो विदैट सो द फ्रेजल वर्ब गिव अपने गिव अप हंड्रेड एंड टेन परसेंट आई एम श्योर यू हैव ऑलवेज हर्ट इन योर लाइफ इज इंट एड कम टेल मी इज ए टूअ नॉट सच है ना ये आपने सबने सुना है ना शुरू से गिव अप का गिव अप एक ऐसी चीज है जो हमने बचपन से सबसे सुनी है ठीक है डोंट गिव अप डोंट गिव अप नेवर गिव अप वी शुड एक्चुअली नेवर गिव अप वी शुड ऑलवेज गिव अप परसेंट राइट सो द फ्रेजल वर्ब गिव अप मींस टू सरेंडर और स्टॉप ट्राइंग ठीक है इस गिव अप का मतलब क्या है गिव अप देखो गिव क्या है हमारी वर्ब है बिल्कुल है अप क्या है कम ऑन टेल मी प्रैक्टिसन राइट सो गिव अप क्या बन जाता है गिव अप का मतलब क्या है गिव अप का मतलब है दैट यू शुड नेवर स्टॉप ट्राइंग आपको कभी भी So, रुकना नहीं है कोशिश करने से राइट दैट इज वॉट एक्चुअली गिव अप मीन आपको सरेंडर नहीं कर देना दैट आई आई एम एम गिविंग अप अप सॉरी इट्स नॉट माय कप ऑफ टी राइट सो गिव कैन नेवर बी द ऑप्शन फॉर एन इंडिविजुअल हु ऑलवेज वांट्स टू ट्राई राइट सो दिस इज एक्चुअली व्हाट अ फ्रेजल वर्ब मीन ये होता है आपका क्या फ्रेजल वर्ब ठीक है ऑल नाउ right, अभी आपने समझा गिव अप का मतलब While give in, अब हम समझेंगे गिव इन का मतलब गिव इन मीन्स टू येल्ड टू समन और समथिंग इसका मतलब क्या यिल्ड मतलब जब किसी के सामने हार मान जाते हो झुक जाते हो राइट right? कि फाइनली ओके फाइन इट्स नॉट इट्स नॉट गोइंग टू हैपन मेरे से नहीं होने वाला गिवन मतलब कि आप किसी के सामने झुक गए हो किसी चीज के सामने किसी के सामने आपने हार मान ली है राइट दैट्स व्हाट गिवन मींस राइट सो द वर्ब पुट अब ले लेते हैं हम पुट को द वर्ब पुट कैन फॉर्म अ नंबर ऑफ फ्रेजल वर्ब्स अब ये पुट से ना हमारे बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स जो है बने हुए हैं ठीक है जैसे कि पुट ऑन पुट ऑन का मतलब पहनना ठीक है पुट ऑन का मतलब होता है पहनना देन पुट ऑफ टू पोस्टपोन जब हम किसी चीज को पोस्टपोन करते हैं ठीक है का मतलब होता है कि जब आप टॉलरेट कर रहे होते हो किसी चीज को सह रहे होते हो किसी चीज को नाउ

इंग्लिश में भी देखा होगा क्योंकि इसका डेफिनेटली बहुत ज्यादा यूज होता है ठीक है दे कैन बी डिफरेंट डिफिकल्ट टू लर्न एंड अंडरस्टैंड फॉर नॉन इंडेटिव स्पीकर मीनिंग इज ऑफ इन आइडियोमैटिक एंड नॉन ईजिल डिडक्टेबल फ्रॉम द इंडिविजुअल वर्ड ठीक है अब इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि जो नॉन नेटिव स्पीकर कौन होते हैं हमारे जैसे लोग जो कि इंडिया से स्पेशली क्योंकि इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है सो वी कैन नॉट कंसिडर आर सेल्फ एज एजिव स्पीकर राइट हम हिंदी वाले हैं ठीक है अब ये लैंग्वेज है ही बाहर की ठीक है तो हम नॉन नेटिव स्पीकर हैं हम लोगों के लिए इसको थोड़ा लर्न करना समझना लिटल डिफिकल्ट हो सकता है बट एज आई ऑलवेज से नथिंग इज इम्पॉसिबल राइट right, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पॉसिबल ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे आप अचीव ना कर सको इट्स जस्ट द एफर्ट दैट दर पुटिंग इन सिर्फ एफर्ट्स हैं जो आप उसमें डाल रहे हो दैट्स इट

मैं इनको कॉमन क्यों बोल रही हूँ ये क्योंकि एक्चुअली में बहुत ज्यादा कॉमन फ्रेजल वर्ब्स है मतलब ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले फ्रेजल वर्ब्स है जस्टिन केस अगर आपने इनमें से एक भी नहीं सुना आई एम गोइंग टू बी वेरी ग्लैड फॉर यू ऑल जस्ट बिकॉज यू गोनाट लर्न समथिंग रोली न्यू टूडे बट जस्टिन केस अगर इनमें से एक दो भी आपने सुने हैं तो अच्छी बात है यू गोनाट रिवाइजेदर सो टूडे वी गैन अंडरस्टैंड अबाउट दिस कॉमन फ्रेजल वर्ब लेट्स गेट स्टार्टेड विदेरी फर्स्ट वन एंड विच इज दिस वन आई एम श्योर ये सबसे ज्यादा सुना जाने वाला फ्रेजल वर्ब है विच इज काम डाउन काम डाउन इट इज नॉट कालम कालम नहीं होता ठीक है कालम नो वट इज इट काम काम क्योंकि इसका एल जो होता है वो साइलेंट रहता है साइलेंट ठीक है तो इट इज काम उन काम डाउन काम डाउन ठीक है मतलब क्या होता है रिलैक्सर एन एनर्जेटिक और इरिटेटेड स्टेट ठीक है जो आप बहुत एनर्जेटिक स्टेट में होते हो इिटेटेड होते हो अनॉयड होते हो बहुत ज्यादा उस सिटुएशन में जब आपको बोलते हैं कहोगे रिलैक्स हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ हम बोलते हैं ना कहीं प्लीज शांत हो जाओ मुस्कम करो शांत हो जाओ दैट्स वॉट इन इंग्लिश कॉल इट एज काम डाउन काम डाउन काम डाउन ठीक है नाउ लेट्स टेक एग्जाम्पल्स एंड है फ्यू मिनट ब्रेक टू काम डाउन आफ्टर दैट मैच मुझे कुछ मिनट चाहिए ताकि मैं uh, काम डाउन कर सकूं ब्रेक चाहिए मुझे कुछ कुछ मिनट्स का ब्रेक चाहिए क्योंकि वो मैच जब क्या होता है कि जब आप क्रिकेट मैच सबसे ज्यादा आज के टाइम तो पे इंडिया में सबसे ज्यादा पसंद करते ही लोग क्रिकेट हैं ऐसा नहीं है नो अफेंडेड विद दो पीपल जिनको अलग स्पोर्ट्स uh, पसंद है डेफिनेटली ऑफ टू दैम लेकिन अगर आपको जस्ट इनकेस कोई भी मान लीजिए स्पोर्ट्स पसंद है ठीक है आपका कोई फेवरेट स्पोर्ट चल रहा है वहाँ कोई बहुत तगड़ा मैच चल रहा है अगर इंडिया और uh, ऑस्ट्रेलिया या कहीं का भी एक्स वाई जेड कहीं का भी मैच चल रहा है ठीक है अब आप क्या हो बहुत गौर से उस मैच को देख रहे हो आप चाहते हो इंडिया जीते या आप कहीं से और से हो तो वहां पे भी आप चाहते हो ये जीते 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 ठीक है आप प्रैक्टिस कर रहे हो आप सोच रहे हो सोच रहे हो आप बड़ा गौर से देख रहे हो कि ये आउट हो गया वो आउट हो गया ये और अब आपका क्या होता है आप एकदम हाइपर मोड में आने लग जाते हो कि शट ये कैसे हो रहा है शट ये कैसे हो रहा है और जस्ट इन केस लेट्स जस्ट ए मैच इन जिस टीम को आप सपोर्ट कर रहे थे वो टीम हार जाती है फिर आपके आओ तो इरिटेट हो जाते हो बड़ा गुस्सा हो जाते हो राइट right? सो so, आपके पेरेंट्स सबको उस टाइम क्या बोल रहे होते बेटा काम डाउन इट्स ऑल राइट दिस जस्ट अ मैच एक मैच था इतना हाइपर होने की नीड नहीं है तो आप क्या बोल रहे हो कि मुझे कुछ मिनट चाहिए अपने आप को ब्रेक मुझे ब्रेक चाहिए कुछ कुछ देर के लिए ताकि मैं अपने आप को वापस नॉर्मल सिचुएशन में ला सकूं ठीक है

here you go with the next one which is fall apart fall apart fall apart now fall apart means break into pieces Kisi break karte ho na, pieces mein. that's what fall apart means hai? let's take example for this as well my new dress completely fell apart आफ्टर दिस टू वॉशेज कई बार ऐसा होता है कि कपड़ा बड़ा खराब निकल जाता है ठीक है बड़ी घटिया क्वालिटी का कपड़ा होता है तो वो एक या दो बार धोने के बाद ही कपड़े के चितरे उड़ जाते हैं दैट्स वोट फॉलो पार्ट मीन्स यहाँ पे इसका मतलब यही बताया है द न्यू माई जैसे उस यहाँ पर एग्जाम्पल में बोला है कि मेरी जो नई ड्रेस थी वो दो वॉशेज में पूरी फेल पार्ट हो गई मतलब पूरी ब्रेक हो गई पीसेज में फट गई पूरी की पूरी वो ठीक है फ्टर इस ऑफ निगलेक्ट द ओल्ड हाउस स्टार्टेड टू फॉलो अपार्ट ठीक है काफी सालों तक मना करने के बाद आखिरकार जो पुराने घर थे उनको पीसेस में तोड़ दिया गया टुकड़ों में तोड़ दिया गया एंड दैट्स अगेन वट इट फॉलो अपार्ट मीन्स आई होप अगेन दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू लेट्स मू वेड एंड अंडरस्टैंड द नेक्स्ट स्टेप विच इज गेट अराउंड गेट अराउंड जब एक जगह से दूसरी जगह पर बार बार घूमते हो दैट इज वट गेट अराउंड मीन लेट्स टेक एग्जाम्पल फॉर दिस इज वेल इट्स इंपॉसिबल टू गेट अराउंड दिस सिटी विद इस सिटी को घूमने के लिए मतलब एक ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस मतलब घूमना ही हो गया राइट तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि इस सिटी को हम दूसरी जगहों पर जगह जाना चाहें बिना गाड़ी के घूमना पॉसिबल है ही नहीं ठीक है इट्स इम्पॉसिबल टू गेट अराउंड दिस सिटी विदाउट अ कार ठीक है नेक्स्ट इज टॉम गेट्स अराउंड सिटी क्विकली बाय राइडिंग हिज बाइक वो अपनी बाइक की वजह से जल्दी से पूरे सिटी का एक चक्कर मार के आ भी गया ठीक है सो so, अभी आपने कितने सीखे वर्ब्स तीन कौन कौन से मेरे साथ दोबारा रिपीट कीजिए काम डाउन calm down मतलब शांत हो जाना देन नेक्स्ट कौन सा था fall apart मतलब टुकड़ों में तोड़ना देन नेक्स्ट है से come on get apart get apart मतलब जब आप घूमने एक जगह से दूसरी जगह घूमते हो ठीक है calm down fall apart get around calm down fall apart get around हो गए लर्न चलिए आगे बढ़ते हैं ऑल राइट स्टूडेंट्स चलिए आगे बढ़ते हैं द नेक्स्ट है हमारा drop out drop out अगेन ये भी बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होता है drop out ठीक है ड्रॉप आउट का मतलब होता है जब आप स्कूल छोड़ देते हो मतलब मान लीजिए आपने इलेवंथ कर दिया ट्वेल्थ को बीच में छोड़ दिया दैट्स ड्रॉप आउट ठीक है या फिर आपने 10 -10 तक पढ़ाई करी देन यू जस्ट ड्रॉप आउट ठीक है आप टेंथ के आगे पढ़ाई नहीं करी आपने सो ड्रॉप आउट का मतलब आप स्कूल छोड़ देते हो दैट्स वट ड्रॉप आउट मीन्स सम किड्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल ड्यू टू फाइनेंशियल क्रासिस एंड दैट इज अ वेरी बेटर ट्रूथ आई वुड से कि काफ़ी सारे बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से बच्चों स्कूल की फीस देने के पैसे नहीं होते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से काफी सारे बच्चे ड्रॉप आउट कर देते दे हैं सम एथलीट ड्रॉपड आउट ऑफ द रेस ड्यू टू एन इंजरी अब अगर मैंने ड्रॉप uh, आउट बोला है तो ड्रॉप आउट का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आप स्कूल छोड़ रहे हो ड्रॉप आउट मतलब आप कोई भी चीज कर रहे हो और उसको आपने छोड़ दिया

वी कैन गिव अवे आर ओल्ड क्लोथ्स टू पुअर किड्स ऑन द स्ट्रीट राइट हम जो है हमारे कपड़े जो है पुराने कपड़े हो गए उनको गरीब बच्चों में बांट सकते हैं ताकि वो उनके काम आ जाए ठीक है वी कैन गिव अवे आर ओल्ड क्लोथ टू द पुअर किड्स ऑन द स्ट्रीट नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस यू कॉन्ट गिव अवे योर हार्ड अर्न मनी टू एनी वन जस्ट लाइक दैट तुम अपनी मेहनत की कमाई किसी को ऐसे ही नहीं दे सकते हो। का मतलब clear हुआ। शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इज ब्रेक डाउन इज दिस ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन मतलब कि कोई भी चीज जो अब काम नहीं करे नॉट फंक्शनिंग ठीक है ब्रेक डाउन किसी भी चीज से रिलेटेड होता है आपसे भी रिलेटेड हो सकता है वो ठीक है माई कार ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ द रोड मेरी कार जो है वो टूट गई फंक्शन ही नहीं कर रही थी खराब हो गई बिल्कुल सड़क के बीचों बीच और ये दैट्स वेरी बैड सिचुएशन क्योंकि वहां पे हेल्प लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द कंप्यूटर सिस्टम ब्रोक डाउन एंड वीस्ट ऑल ऑफ आर डेटा ठीक है कंप्यूटर सिस्टम जो था वो फंक्शन कर ही नहीं रहा था और इस वजह से हमने अपना सारा का सारा डेटा खो दिया ठीक है सो दिस इज वॉट ब्रेक डाउन इज अगेन आपने तीन सीखे कौन कौन से ड्रॉप आउट मतलब किसी भी चीज को आप कर रहे हो उसे बीच में छोड़ दिया दैट्स वट ड्रॉप आउट मीन गिव अवे आप कोई भी चीज फ्री में देते हो किसी को दैट्स वट गिव अवे इज अवेड ब्रेक डाउन कोई भी चीज फंक्शन नहीं कर रही दैट्स इज ठीक है ड्रॉप आउट गिव अवे एंड ब्रेक डाउन ड्रॉप आउट गिव अवे ब्रेक डाउन गिव अवेक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑफ वी आर है पास आउट ठीक है पास आउट का मतलब होता है कि जब आप बेहोश जाते हो लॉस कॉन्शियसनेस ठीक है आप अचानक से बेहोश हो गए दैट्स वॉट पास आउट मीन्स लेट्स एग्जाम्पल शी पासड आउट ड्यू टू स्ट्रिक्ट फास्टिंग ठीक है बहुत ज़्यादा जो स्ट्रिक्ट फास्टिंग का मतलब कि आप जब ऐसा फास्ट लो कि आपने मान लीजिए ये ऐसा फास्ट भी लोग रखते हैं निर्जला व्रत जिसको हम हिंदी में कहते हैं ठीक है कि वाटर कंज्यूम ही नहीं करना है ठीक है वाटर अगर वाटर नहीं करना तो मतलब कुछ भी नहीं खाना पीना ठीक है तो काफी सारे लोग ऐसे फास्ट करते हैं और इसमें ऐसे बोल दिया कि कोई लड़की थी जिसने फास्ट कर लेकिन उससे वो झेला नहीं गया एंड शी पास आउट वो बेहोश हो गई राइट शी पास आउट ड्यू टू स्ट्रिक्ट फास्टिंग एंड आपको अगर आपके अंदर इतना स्टैमिना नहीं है आप नहीं कर पाते हो सो डोंट डू दैट राइट दैट्स फाइन

टर्न डाउन टर्न डाउन इसका मतलब होता है कि वॉल्यूम को थोड़ा कम कीजिए कैन यू प्लीज टर्न डाउन योर म्यूजिक ठीक है हम कई बार ये बात बोलते हैं रिक्वेस्ट करते हैं ना पड़ोसियों में जब कहीं पार्टी चल रही होती है और बहुत तेज तेज गाने चल रहे होते हैं हम कितना हो जाते हैं राइट सो टर्न डाउन मतलब कि वॉल्यूम को थोड़ा कम करने के लिए रिड्यूस कर दीजिए हम किसी से रिक्वेस्ट करना चाहें फॉर एग्जाम्पल टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑफ द टीवी ठीक है जैसे मम्मी हमें बोलती नहीं बच्चों जब हम बचपन में थे मैं वो जब टीवी देखती थी ना मेरी मदर मुझसे बड़ा बोलते थे कि टीवी की वॉल्यूम कम कर लो टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑफ द टीवी टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑफ द टीवी we need to turn down the music as neighbors are complaining ठीक है हमें म्यूजिक जो है वो कम करना पड़ेगा क्योंकि नेबर्स जो है बहुत ज्यादा कंप्लेन कर रहे हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज मेस अप मैं सब तो अपने आप से खुद ही बता रहा है कि भाई मेरा मतलब होना है कि खराब हो गया ठीक है टू spoil और टू destroy समथिंग जो चीज बिल्कुल खराब हो गई सब बर्बाद हो गया मेस्ड अप राइट जैसे रूम कई बार मेस्ड अप करके रखते हो For example, children sometimes mess up their room after playing there with their friends. ठीक है बच्चे क्या करते हैं बच्चे अपने दोस्तों को घर बुला लेंगे घर बुला के रूम में बिठा देंगे उनको और बच्चे क्या करते हैं फिर तो उनके साथ के बच्चे और मिलके सारा का सारा रूम गंदा करने में लग जाते हैं ठीक है That's what mess up means. जब पूरा का तो पूरा रूम मै स्ट कर दिया है फिर उनको पड़ती है मदर से मार दे नेक्स्ट एग्जाम्पल इज माई हजबेंड मेड अ केक टू डे आफ्टरनून एंड ही मे स्ट द किचन ठीक है मेरे ने क्या करा केक बनाया आज दोपहर को और उसके बाद किचन क्या हो गया पूरा का पूरा खराब हो गया सो दिस मेसअप इज पास आउट बेहोश जाना टर्न डाउन वॉल्यूम थोड़ा कम कर देना मेसअप पूरा खराब कर देना पास आउट टर्न डाउन मेसअप

ऑल राइट so example. I आई out एवरी डे इन द मॉर्निंग ठीक है मैं हर रोज सुबह सुबह क्या करती हूँ वर्कआउट करती हूँ ठीक है नेक्स्ट example इज वर्किंग आउट helps us इन कीपिंग आवर बॉडी फिट एंड healthy. ठीक है वर्कआउट हमें किस चीज में हेल्प करता है कि अपनी बॉडी को एकदम फिट रखें और हेल्दी रखें सो दिस इज वॉट वर्कआउट मीन्स लेट्स मूव है यू गो विद वॉच आउट ना वॉच आउट का मतलब होता है बी केयरफुल uh, ठीक है जब हम कहीं बोलते हैं ना कि संभल के तो वॉच आउट वॉच आउट दैट एट दैट टाइम यू कैन डेफिनेटली यूज इट लेट्स टेक एग्जाम्पल चिल्ड्रेन नीड टू वॉच आउट वाइल प्लेइंग इन द ओपन एरिया बच्चों को ध्यान रखना चाहिए अगर वो ओपन एरिया में खेल रहे हैं तो उनको ध्यान से खेलना चाहिए रेनी सीजन वी नीड टू वॉच आउट फॉर आर स्टेप्स राइट अगर आप रेनी सीजन में बाहर जा रहे हो तो आपको बहुत जरूरत है कि आप देख देख के मतलब ध्यान से चले क्योंकि कहीं भी आप फिसल सकते हैं ठीक है द नेक्स्ट इज पुट ऑन नाउ पुट ऑन का मतलब होता है गेट ड्रेस्ड ठीक है कि जब आप ड्रेस अच्छे से पहन लेते हो वो पहनने को बोलते हैं पुट ऑन ठीक है वी नीड टू पुट ऑन द बेस्ट ड्रेस फॉर द today's party. पार्टी ठीक है आज की पार्टी के लिए हमें बहुत सुंदर सी ड्रेस पहननी है वी नीड टू पुट ऑन पुट ऑन द बेस्ट ड्रेस फॉर today's party. पार्टी प्लीज पुट ऑन सम टू अवॉइड सम्सू चिल ठीक है कि कुछ वुलन कोल्ड क्लोथ पहन लो ताकि तुम ये जो विंडर की चिल है जो मतलब इतनी ठंडी हवा चल रही है उससे बच सको ठीक है तो अब हमने अगेन तीन सीखे कौन कौन से वर्कआउट वॉच आउट एंड पुट ऑन वर्कआउट एक्सरसाइज करना वॉच आउट ध्यान से देख के चलना केयरफुल रहना एंड पुट ऑन मतलब कुछ भी पहनना ठीक है सो वर्कआउट वॉच आउट एंड

She was telling a lie and she made up the story to impress us. The next is children normally made up stories about fairies and magic. चिल्ड्रेन जो है नॉर्मली क्या करते हैं स्टोरीज बना लेते हैं uh, किसकी फेरीज की जादू की क्या करते हैं वो छोटी छोटी सी uh, बच्चे प्यारे होते हैं यू you नो know, बच्चे बड़े हम्बल से होते हैं तो कुछ भी स्टोरीज अपने दिमाग में बना लेते हैं फेरीज की मैजिक की किसी भी चीज़ की ठीक है सो दिस इज वॉट मेड अप मीन्स आई होप दिस इज क्लियर टू यू लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट वन ओके स्टूडेंट्स है ग्रो अप अगेन अम्पॉर्टेंट एंड अ वेरी कॉमन फ्रेज वर्ब दिट इज ग्रो अप आई एम श्योर ग्रो अप मतलब आप खुद समझ सकते हो मुझे बताइए क्या आपको पता है कब ऑन इफ यू आर सेन दैट्स वेरी गुड इफ यूर से नो तो पता होना चाहिए लेट मी टेल यू देन सो है यू गो विद मीनिंग विच इज गेट ओल्डर हम कई बार बच्चों से बोलते हैं ना ग्रो अप बड़े हो जाओ ठीक है गेट ओल्डर मतलब का मतलब है कि बड़े हो जाओ अब तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है बड़े कब हो गया अभी बचपन ना भरा पड़ा है दैट्स ग्रो ग्रो अप अप लेट्स टेक यू यू देन कैन होल नाइट जब तुम बड़े हो जाओगे ना तब तुम पूरी रात पार्टी कर लेना ये सबसे बड़ा झूठ होता है जो हम पेरेंट सुनते हैं राइट सो जस्ट बिकॉज ऑब्वियसली कि हर पेरेंट आपको यू uh, नो you know, आपको सेफ रखना चाहता है दैट्स वाई दे ऑलवेज डिनाई कि कुछ भी हो सकता है आज के टाइम पे यू नो दैट राइट सो वेन यू ग्रो अप देन यू कैन पारी होल नाइट

यू नीड टू गेट rid ऑफ pimples ऑन your फेस बाय अप्लाइंग सम लोशन तुम्हें अपने फेस पर कुछ लोशन लगाना चाहिए ताकि तुम्हें इन पिम्पल से छुटकारा मिल सके ओके सो हे यू गो विद नेक्स्ट एग्जाम्पल न गेट रीड ऑफ एक्स्ट्रा किलोज फ्रॉम आवर बॉडी बाई वर्किंग इन द मॉर्निंग हमारी बॉडी में जो ये एक्स्ट्रा वेट है, you know, पे होता है? बेली, में, बेली फैट होता है कई लोगों की डबल चेन होती है कई लोगों के यहाँ पे भी बहुत सारा फैट होता है ठीक है तो आप ये एक्स्ट्रा किलोज के बड़े हुए हैं आपकी हाइट के अकॉर्डिंग जो आपका वेट होना चाहिए उससे ज्यादा वेट है तो आप उसे छुटकारा पा सकते हो कैसे अगर हर रोज आप सुबह सुबह वॉक करो या वर्कआउट करो कुछ भी इस तरीके का करो तो ठीक है सो these were the three again that is made up grow up and get rid of so these were the 15 one I hope you all are definitely clear with all the 15 phrasal verbs that I have today made you learnt. Now here you go with the 16th one which is get over get over matlab, get well that's what get over means यू मस्ट टेक सम रेस्ट टू गेट ओवर विद फ्लू ठीक है कि तुम्हें कुछ रेस्ट कुछ आराम करना चाहिए ताकि तुम्हें फ्लू से तुम थोड़ा ओ, ठीक हो सको ठीक है दैट्स वॉट गेट ओवर इज वन नीड्स टू गेट ओवर फेलियर ठीक है हर एक इंसान को अगर कुछ किसी चीज में वो फेल हुआ है तो उस चीज से उसे ऊपर उठना चाहिए ठीक है दैट्स वॉट गेट ओवर मीन्स है यू गो विद नेक्स्ट वन विच इज कॉल ऑफ कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल किसी चीज को कैंसिल करते हो दैट इज

गेट अलोंग का मतलब होता है बींग गुड फ्रेंड्स ठीक है जब आप किसी से बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हो दैट्स गेट अलोंग ठीक है ओके स्टूडेंट्स यू गो विद द फर्स्ट एग्जाम्पल आई डू नॉट गेट अलोंग वेल विद द फ्यू ऑफ माई क्लासमेट्स मैं अपने काफी सारे क्लासमेट्स के साथ कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ मैं दोस्ती उतनी नहीं बना पाया ठीक है द नेक्स्ट इज वी आर ट्राइंग टू गेट अलॉन्ग विद माई न्यू नेबर हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे नए पड़ोसियों के साथ हम अच्छे दोस्त बन जाएं ठीक है सो आई होप ये तीनों भी आपको क्लियर हो चुके हैं एटीन अट्ठारह फ्रेजल आप कंप्लीट कर लिए हैं हैं चलिए अब देख लेते हैं लास्ट के दो और ओके स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट आप एस गिव अप गिव अप का मतलब होता है स्टॉप टाइम ट्राइंग ये मैं आपको बता चुकी हूँ अप लेट्स टेक डू नॉट गिव अप ऑन योर हेल्थ रिजाइम यू कैन कीप ट्राइंग टू बी सक्सेसफुल अपनी हेल्थ रिजाइम पर आपको गिव अप नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो आप सक्सेस

जाते हैं ठीक है बाहर टाइम स्पेंड करने जाते हैं सो दीज व ट्वेंटी आई होप ऑल ऑफ दम आर डेफिनेटली क्लियर टू यू विदिंग क्लास आई रियली होप यू लव द क्लास आई रियली होप यू लव ऑल द फ्रेजल वर्ब्स एंड ऑल्सो एम होपिंग दैट यून ट्राई ऑल ऑफ दीज इन टू योर डे टू डे लाइफ प्लीज यूज देम एज मच एज पॉसिबल क्लियर है इसी के साथ मैं आपको मिलती हूँ मेरी अगली क्लास में तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड बी हैप्पी कीप रनिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग बाय बाय